सिसई प्रखंड क्षेत्र के भदौली निवासी अवध कुमार सिंह के पुत्र अभिनव कुमार यूक्रेन के लबीब सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। स्थिति बिगड़ने के कारण वह वापस घर लौट गए। इस बात की सूचना मिलने पर उनका हाल जानने के लिए लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत साथ सुनीला खल को वीडियो से सही उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। सर्वप्रथम सांसद सुदर्शन जी ने छात्र को फूल देकर स्वागत किया एवं छात्र की समस्या से पूर्ण रूपेण अवगत हुए एवं समाधान करने की हर संभव बात किए। स्वयं से आया वैसे ये गवर्नमेंट की जो इंडियन गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी आई थी वो 15 को आई थी। उसके बाद एडवाइजरी देखने के बाद मतलब हमें ऐसा लगा कि यूक्रेन छोड़ देने में भलाई है। तो उसके बाद हम एडवाइजरी देखते ही टिकट्स अपने लिए और फिर 18 को यूक्रेन से निकलकर 20 को वापस झारखंड पहुँच गए। जब तक हमारे तब तक वहाँ युद्ध शुरू नहीं हुई थी। युद्ध वहाँ पर 24 को शुरू हुई है। अभिनव MBBS मतलब प्रायः सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। कुछ 100-200 स्टूडेंट्स और बच रहे हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। वो भी कुशल वहाँ से निकल जाएंगे। आज अभिनव जी से मिलना हो रहा है मेरा। यूक्रेन से आपका भी लौटना हुआ है और भारत सरकार का केंद्र सरकार की तरफ से जो गंगा ऑपरेशन जो कार्यक्रम चला है, हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी या अभी भी यूक्रेन की हालत काफ़ी स्थिति खराब है। उस परिस्थिति में वहाँ से अपने विद्यार्थियों के अपने छात्राओं को कैसे सुरक्षित स्वदेश लौटाया जाए, इसका मिशन केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया और उसका नाम दिया गया गंगा ऑपरेशन। अरे भी हमारी अभिनव जी से बातचीत हुई है। जैसे ही सरकार की तरफ से सूचनाएं जाती हैं कि धीरे धीरे क्रमशः यूक्रेन से बाहर निकलना चाहिए, अभी हमारी मैं आपका अनुभव ले रहा था। अनुभव के क्रम में आपने कहा कि हम जैसी इस प्रकार की सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई कि यूक्रेन से खास करके सरकार ने जो अलर्ट किया कि आप सभी विद्यार्थियों को वापस स्वदेश लौटना चाहिए, आपने उसी बीच में पूरी तत्परता के साथ मुझे लगता है कि 18 तारीख को आपने यूक्रेन छोड़ा, साकुशल स्वदेश लौटे हैं। हमने अभिनव जी का आज शिष्य में आकर उनके आवास पर हमने उनका अभिनंदन किया है, हमने उनका स्वागत किया है। ये है कि हम लोग को काफ़ी खुशी है कि सही समय पर चला आया। नरेंद्र मोदी जो भी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी योजना चलाएं वो काफ़ी अच्छा रहा। कारण कि उस समय टिकट का रेट इतना बढ़ गया था कि लोगों को खरीद से बाहर गए हैं, तो बहुत अच्छा कदम उठाए कि सभी को सकुशल लेकर के आए। कुछ भी हो सकता था, कहीं भी अभी भी स्थिति खराब ही है, अभी भी सुधरा नहीं। वार्ता हुआ लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं है। मेरा नाम अवध किशोर सिंह है, भदौली शीशे। हाँ नमस्कार, मैं सुनीला खलको और डिप्टी कलेक्टर शीशे से बोल रही हूँ। और हमारे क्षेत्र से अभिनव कुमार हर्ष जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे MBBS को, मैं उनके माता जी के साथ हूँ श्रीमती आभा रानी, और ये बताएंगे कि किस तरह उनके पुत्र सकुशल यहाँ वापस आए हैं। जिससे वो जैसे ही सरकार के इधर से एडवाइजरी शुरू हुआ दिया गया, मैं अपने बच्चे को तुरंत ही टिकट कटाने के लिए कही और वो तुरंत ही टिकट कटा के और सकुशल वहाँ से वापस आया एयर इंडिया के द्वारा, है ना। मैं सरकार जो सरकार के द्वारा दिया गया था एडवाइजरी, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैंने उन्होंने तुरंत मुझे सही समय पर अपने बच्चे को लाने के लिए, है ना, उस मंशे से मैं कामयाब हो सकी और फिर अपने बच्चे को समय पर बुला सकी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।